ओ म्यूजिक टीचर, तुम्हारा हारमोनियम ले जा रहे प्ले के लिए, ले जाओ जल्दी। लेकिन अरे यार करण, तुम्हारी हड्डी पसली टूटी होती, ये प्लास्टर ना चढ़ा होता तो आज तुम पिया के साथ होते और प्ले में हिस्सा भी ले रहे होते। तुम्हें इस हाल में देखकर कुछ मजा नहीं आ रहा है करण, कि पैसा क्योंकि सहारे चलना, वेरी बैड, पिया से इतनी दूर, ओ सो बैड। तुम यहां बैठकर सपने देखो और मैं चला पिया के पास। बाय, टेक केयर। बैठकर सैड सॉन्ग बजाइए, वहां दुष्यंत सर पियर दीदी के साथ है। तो क्या करूं मैं, तुमने तो मेरी ऐसी हालत बनाई है। करण भैया, अगर आप इस हालत में पियर दीदी की हेल्प करोगे ना, तो पियर दीदी आपसे और इंप्रेस हो जाएगी। संजू, मुझे पिया को इस तरह से इंप्रेस नहीं करना है। करण भैया, आप झूठ मत बोलिए, आप नहीं चाहते कि पिया दीदी आपसे इंप्रेस हो जाए। जाइए, जाकर पिया दीदी की हेल्प कीजिए। अरे बाबा जा। ओके। करण भैया सिर्फ नाम के लिए बड़े, बाकी मुझे हेल्प करना पड़ता है उन्हें। ओ नो, करण भैया वैसा के लिए बिना ही चले गए। तो पिया, ये है हमारा प्रॉपर्टी रूम, इसमें काफी पुराना सामान और ड्रेसेस भरे हुए हैं, तुम अच्छी तरह देख लो, शायद तुम्हारे नाटक में कुछ काम आए। कितनी सुंदर मूर्तियां हैं, मगर कितने गंदे ढंग से रखी है। ये रूम कई सालों से बंद पड़ा था। यू वेरी वेल नो कि हमारे यहाँ कोई हॉबी टीचर ही नहीं था। एनीवे, डोंट वरी, मैं अभी ठीक कराता हूँ इसे। सो क्यूट, लेकिन इसकी भी मरम्मत करानी पड़ेगी। पिया, डोंट वरी। व्हाई फियर व्हेन दुष्यंत इज हियर? तुम कोई टेंशन मत लो। मैंने तुमसे कहा था ना, मेरे दो नए असिस्टेंट्स आए हैं, उन्होंने सारी प्रॉपर्टीज निकाल दी होगी अब तक। ओके, तुम तो सिर्फ अच्छे और क्रिएटिव चीजों के बारे में सोचो, बाकी सारे काम मुझ पर छोड़ो। थैंक यू वेरी मच दुष्यंत। नो प्रॉब्लम। ये तो बिना बैसाखी के चल रहा है। अच्छा, ये इसका मास्टर प्लान था। पिया, करण हमसे झूठ बोल रहा है, वो तो बिना बैसाखी के चल रहा है। क्या? लेकिन वो नाटक क्यों करेगा? तुम्हें अगर यकीन नहीं तो खुद ही मुड़कर देख लो। मुझे तो लगता है दुष्यंत तुम ही झूठ बोल रहे हो। पिया, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैं कसम खाकर कहता हूं पिया, करण उठो। अरे उठो, ये लो, उठो उठो, संभालो। थैंक यू पिया। करण, तुम्हें ऐसी हालत में बाहर नहीं निकलना चाहिए। पिया, मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता था। ठीक है, मुझे जोरो के ब्लैक कॉस्ट्यूम और उसके मास्क की जरूरत है। चलो पिया, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, मेरे असिस्टेंट भी होंगे यहाँ पर। चलो कम 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 पिया, कम कम।
मास्क ऑफ ज़ोरो। क्या हुआ कर्णिया? संजू अच्छा हुआ तू मुझे मिल गया। यार मुझे मास्क ऑफ ज़ोरो की ड्रेस चाहिए थी, अब समझ में नहीं आ रहा कि। ये लीजिए करण भैया, आपको जो भी चाहिए आप इससे बना लीजिए। पर करण भैया, पिया दीदी को ऐसा लगना चाहिए कि आप वो सामान आपने मेहनत से लाया हो। लेकिन अगर कोई गड़बड़ हो गई तो? करण भैया, जब आइडिया ब्राइट होगी तो कोई गड़बड़ नहीं होगी। ओके ओके थैंक्स, सब लोग बाय। दुष्यंत, मैं यहाँ ज़ोरो की कॉस्ट्यूम ढूंढती हूँ। तुम एक काम करो, अलमारी में कुछ साउंड इफेक्ट्स की कैसेट्स रखी है, वो जाकर ढूंढ लो, बैकस्टेज में बजाने के लिए काम आएंगे। ओके। लेकिन पिया, ये बैकस्टेज क्या होता है? तुम्हें बैकस्टेज नहीं पता? नहीं। दुष्यंत, फ्रंट स्टेज के पीछे बैकस्टेज होता है, यू नो, जहाँ से आर्टिस्ट एंटर और एग्जिट करते हैं। यू नो व्हाट आई मीन? या, आई नो व्हाट यू मीन। लेकिन पिया, फिर तुम ये कैसेट बैकस्टेज में क्यों बजाओगी? दुष्यंत, तुम्हें ड्रामा के बारे में इतना सा भी सेंस नहीं है ना? है ना, बैकस्टेज ना। वाओ। वैसे पिया, तुम कुछ भी कहो, मुझे करण की कहानी पे जरा भी विश्वास नहीं है। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती, वो झूठ क्यों बोलेगा? अच्छा वो छोड़ो, तुम जाके वो कैसेट ढूंढो, ठीक है? जल्दी जाओ। ओके। पिया 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 पिया। What happened? तुम ठीक तो हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन यहाँ कुछ है जो ठीक नहीं है। मतलब? मतलब ऊपर देखो। डैंग डैंग। करण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे वो एक्चुअली वो मैं पिया तुम्हारी हेल्प वो। अरे करण भैया, आप क्या कर रहे हो ऊपर? हमने मना किया था ना आपको ऊपर चलने से। वो मैं टीटू वो क्या, आप चुप रहिए। करण भैया ना वो मास्क और ड्रेस ऊपर देख ली थी जिसके बारे में आप बात कर रही थी ना, बस तब से जिद करने लगे कि मैं पिया के लिए वो ड्रेस लेना, ऊपर चढ़ूंगा ऊपर चढ़ूंगा। फिर क्या, फिर हमने ना मना किया कि नहीं आप ऊपर नहीं चढ़ेंगे। फिर हम जैसे भर गए ना वैसे ही चढ़ गए ऊपर। आपको अपने कुछ फिक्र नहीं है क्या? हाँ, अपनी हालत देखी आपने, बस ऊपर चढ़ गए, वो भी एक मामूली से ड्रेस और मास्क के लिए। ए, नाराबाजी बंद कर, और तू हीरो नीचे उधर चल। संभालो, क्लासरूम जाओ। ये सब क्या है करण? वो बिल्कुल चुप बैठे रहो। और ये सब फुलिशनेस दोबारा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो You know what I mean? I know what you mean, dear. तुम बहुत props देखो ना दूसरे। मैं संभाल लूँगा पिया। तुम देखो ना। वो मेरे assistant होंगे। Please. अरे मगर सुनो तो। अरे समझ में नहीं आ रहा, ज़ोरो के लिए किसे कास्ट करूं? मैं हूं ना, मैं किस दिन काम आऊंगा? दुष्यंत, जरा आओ तो। आओ। टैंग टैंग। वाओ, इट्स वंडरफुल। क्या हुआ करण भैया? संजू, पिया भी मेरी कभी नहीं हो सकेगी। क्यों? क्योंकि दुष्यंत के वो और क्लोज होते जा रही है। करण भैया, आप रोना धोना छोड़िए और आपके दूसरे काम पर ध्यान दीजिए। ज़ोरो का रोल सिर्फ आपको करना है। ज़ोरो करता क्या था? आप एक काम कीजिए करण भैया, आप पेंसिल से एक रस्सी ड्रॉ कीजिए और उस पर झूलने की प्रैक्टिस कीजिए।
जोरा यही काम करता था, वो झूल झूल कर अपने दुश्मनों तक जाता था और फिर उनकी पिटाई करता था। ओके, तो अब आप प्रैक्टिस कीजिए और मैं वहां दुश्मन से निपट कर आता हूँ। ओके ओके सर। यस, मास्क ऑफ ज़ोरो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।